हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डील विद द थॉमसनस मॉडल ऑफ एटम। जे जे थॉमसन वॉज ए ब्रिटिश फिजिस्ट। ही वॉज ए ब्रिटिश फिजिस्ट बॉर्न इन 1856 and died in 1940. He was awarded with Nobel Prize in 1906 for the discovery of electron. J.J. Thomson proposed the model of atom, or you can say the watermelon model of atom. Watermelon model of atom, or you can say plum puddling model. It states that all the positive charge is spread throughout the sphere, and the negative charge or electrons, they are present like the seeds in the watermelon. The red color in the watermelon is the positive charge, and the seeds in the watermelon, they are negative charge. Thomson stated that the negative charged particles are embedded in the sphere of positive charge as the red color of watermelon occupies the seeds. It was Thomson's model. Another postulate of the Thomson's model was that the amount of positive charge, or you can say magnitude of positive charge and negative charge is same. That is, it stated the atom is electrostatically neutral. It means ये थॉमसन्स मॉडल हमें ये बता रहा है कि मॉडल जो है एटम का, वो जस्ट लाइक वाटरमेलन है। वाटरमेलन में जिस तरह रेडनेस है, उसी तरह एक एटम में पॉजिटिव चार्ज होती है, और जिस तरह सीड्स प्रेजेंट रहते हैं, उसी तरह नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, वो रेड कलर या पॉजिटिव चार्ज के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और दूसरा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेम। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 5 पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो 5 पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू भी 5 ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, दे आर ऑलवेज इक्वल। दैट इज व्हाई एटम इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये दो पॉस्टुलेट्स थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के अहम थे, जिसने प्लम पडलिंग मॉडल का मतलब क्या है, जिस तरह एक केक में फ्रेश ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसी तरह जो है बाकी केक का जो बाकी मैटर होता है वो पॉजिटिव चार्ज, और जो ड्राई फ्रूट्स बीच में होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने इस मॉडल में, इसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं।
तो वो ड्रॉबैक्स को क्लियर करने के लिए कुछ और मॉडल्स आ गए हैं, जिसमें एक अहम मॉडल है जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम।